अब बता देते हैं, आज हम जो पढ़ने वाले ना वो कुछ अलग है, ठीक है? अब तक ये यहाँ देख लो, अब तक हम सिंपल पढ़ रहे थे, सिंपल में कैसे, अच्छा चलो थोड़ी सी ये बात बताओ, अगर हमारे पास कहीं ऐसा लिखा हुआ समाकलन साइन एक्स, इसका मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा, माइनस के, अच्छा, और अगर वही कहीं ऐसा लिखा हुआ समाकलन ऐसा ही फिर यहाँ पर लिखा हुआ कोस एक्स, तो उसका समाकलन क्या होगा, साइन एक्स होगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत आनी ही नहीं वाली, पर अब जो सवाल है ना मार्कर, मार्कर लेकर गई अब पहला ना 7 पॉइंट जो 8 है ना वो नहीं स्टार्ट कर रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसमें लिमिट का लिमिट लगेगी, और अभी तुम्हें उसमें कुछ थोड़ा सा हाई एक्सरसाइज है या सही है नॉर्मली सी, पहला बेसिक सीख लो। अब मुझे आप बताओ कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ सिंपल से बात है साइन एक्स का आपने इंटीग्रेशन करा तो कितना आ गया, माइनस के कोस एक्स, और कोस एक्स का साइन एक्स आ गया, ठीक है, और अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स, इसका बताओ चलो कितना, टेन एक्स, ठीक है चलो एक और कर, इतना तो करना ही आता होगा। अब मुझे आप सब ये बता दो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ 2x + 5, इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर बताओगा अक्षय, बताओ, हाँ मैं तुम मुझे तो ही दिखा, और वो दिखता ही नहीं यहाँ से, अब बता 2x + 5 है क्या करेगा इसका, इसका जो समाकलन करना कुछ नहीं करना, बता क्या करेगा इसका, हाँ भाई पिछले वाला क्या करेगा, प्रिंस आई लेट वाला खड़े हो जाओ तीनों जरा, सेट्टी क्या करेगा तू, इसका सवाल है तेरे पास, समाकलन करना बहुत सिंपल सी फॉर्म है, क्या करेगा इसका, अरे भाई सवाल यो है 2x + 5 बिल्कुल सिंपल है, पीछे मान लिया dx लिखा हो, क्या करेगा तू, इसमें कुछ भी तो नहीं है इसमें, अच्छा 2x के बटे में तूने 2 लिख दिया, फिर यहाँ 5x लिखा है, अच्छा अगले वाला देव क्या करेगा भाई तू, इसका हंसागा, हाँ भाई इसका क्या करेगा, 2x² / 2 फिर प्लस के 5x प्लस के सी, यार चीटिंग कर दी, अच्छा रुक जा बिना मसा, आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, यही होगा आप, यही है, हाँ 202 कट ही जाओगे, एक मिनट वीडियो बंद करिए भाई, अब कहीं ऐसा लिखा हुआ 5x² + 7x + 3 या सिंपल सी चीज है, अरे भाई अब तुझे इसका करना अब समाकलन, अब क्या करेगा इसमें, हाँ अक्षय नहीं पहला अक्षय की बारी, अक्षय को पहला नंबर वरीयता देनी चाहिए ना, बताओ क्या करोगे, 6x³ 5x³ अच्छा इसमें स्क्वायर आ जाओगा बस, अच्छा 10 दो तुम, हाँ फिर 3x बस प्लस के सी, अब मुझे जरा ये बता दे बस तेरे यहाँ पे 3x³ क्यों लिखा, क्यों लिखाया, अच्छा फिर इस वाले में, इस वाले में कुछ आई था ही नहीं, फिर खाली ऐसे लिखा, नीचे एक तो था ही, तो नीचे एक ना लिखो क्या फर्क पड़ रहा है, लिखने के बाद नहीं तुझे पता ना, मुझे मुझे पता, मुझे नहीं पता है क्या, अगर बैठ जाओ अगले वाला बताओगे, यू इसका नाम है गगन, यहाँ से ये बता अगर ऐसा लिखा हुआ 5x³ + 15 अब इसका क्या आंसर होगा, बता
पांच एक्स की पावर फोर, फिर यहाँ क्या लिखूंगी, चार, फिर प्लस पंद्रह एक्स प्लस के सी। अब बस मुझे ये बता दे, यहाँ पंद्रह था, तेने एक्स क्यों लगाया? अरे यहाँ तो पंद्रह था, तेने समाकलन करा ना, इसके बाद तेने एक्स क्यों लगाया? इस रात कुछ आया नहीं था। अच्छा, यहीं से अगर मुझे एक बात, एक मिनट, यहीं से एक बात है, अगर यहाँ से टी होता, अगर इस सवाल में टी होता, अब इसका आंसर मुझे बता दे क्या होता है इसका आंसर। अब यहाँ टी आ गया, एक्स नहीं है, टी आ गया, यहाँ टी टी भर दूँ। अच्छा ठीक है, साहब एक सो रहा, ठीक है बैठ जा। अब बताना प्रिंस को, प्रिंस बताओगा इसमें, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ टू एक्स स्क्वायर प्लस के चार, अभी देख प्रिंस कितना फास्ट आंसर देगा, बताओ। टू एक्स की पावर तीन बटे में तीन, और फिर प्लस चार एक्स, पक्का प्लस के सी। नेक्स्ट तरह पूछे बैठ जा, सेट्टी बताओगा यहाँ से, अगर ऐसा लिखा हुआ पाँच एक्स प्लस के बारह, अब क्या लिखा हुआ भाई तू इसका आंसर? अच्छा बैठ जा, अब देखिए देव बताओगा, अगर इसी के बटे में यहाँ तीन होता, अब देख अब क्या करेगा भाई इसमें, क्या ऐसा लिखा हुआ पांच एक्स प्लस के बारह बटे में तीन, तो क्या करता इसका? पता नहीं, आप क्या करोगे इस सवाल में? अलग अलग ऐसा करोगे, पांच एक्स बटे तीन, ऐसा बारह बटे तीन, ये भी सही है, या फिर ऐसा कर लो एक, जो ये तीन है, ये तीन ऐसा बाहर निकालो, एक बटा तीन कर लो, ठीक है, पढ़ ला, टाइम ना पास करो। तो सिंपल सी जॉब कलन था ना, देखो भाई तुम्हारे पास टाइम कितना रह गया, बोर्ड एग्जाम का टाइम ही कितना रह गया। तुम सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मली सा समाकलन है, वो तुम कर नहीं पा रहे, कर क्या रहे हैं? मैथ कितना टाइम निकाल लो कर जाएगा, अगर तुम मैथ आधा घंटा भी निकालते हो ना, तो ये सवाल कुछ नहीं था, ठीक है, अपने आप से खुद क्यों झूठ बोल रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं मैथ के साथ, मात्र तुम आधा घंटा मैथ निकालने से ना फिर भी बहुत तुम्हें पता चल जाता, पर मैथ ही निकालना, यहाँ से जा करने के बाद सवाल ही तो कर लो, आधा घंटा ही तो कह रही मैं, पता नहीं 24 घंटे में कर क्या रहे हैं, कभी इधर फिर कभी इधर फिर, पर रहने दा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अब कहीं ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ चार एक्स की क्यूब फिर माइनस के पाँच एक्स प्लस के साथ, सिंपल बात है, इसका हम करना क्या करना बताओ? समाकलन, ठीक है, अब जब समाकलन करना, इसका आंसर बताएंगे ये मैडम, बताइए आप क्या होगा इसका आंसर, बताओ, चार फिर एक्स की पावर चार माइनस, अच्छा बटे में चार, अच्छा यहाँ पे पाँच एक्स प्लस के, अच्छा मुझे सच अपने हिसाब से बताना, मैथ कितना टाइम निकालते हो घर जाके? निकालते ही नहीं, सच बिल्कुल निकालना कभी कार्ड? मैं भाई तुम्हें यहाँ सवाल कर रहा, कम से कम तुम घर जाके एक बार तो काट दो। इसमें देख चलो तुम, अच्छा एक बात हो, तुमने यहाँ ओ चुप रहो, ए बहन यहाँ देख, तुमने यहाँ चार एक्स की पावर चार मुझे क्यों बताया, बताओ अपना सोच का, हम जब समाकलन करें तो क्या होगा, जैसे एक्स है इसकी जो घात है उसमें हम एक घात जोड़ देंगे, ठीक है, तो घात जोड़ कर कितना आ गया चार, अब जो हमने ऊपर लिखा वही हम डायरेक्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है, माइनस पाँच, ऐसे ही एक्स है, एक्स की घात मुझे नहीं बता दो यहाँ कितनी है, कितनी, एक, एक में एक जोड़ो कितना हो गया दो, तो यहाँ एक्स की घात आनी थी दो, अब जो दो हमने ऊपर लिखा वही हम डायरेक्ट नीचे लिखते हैं, ठीक है, अब जो सिंपल है खाली बस उसके साथ जो जिसके साथ एक्स में कर रहे हो साथ एक्स लगाकर लिखना था, साथ एक्स ऐसा आंसर आ जाता इसका, ठीक है, कहाँ यो कहाँ बताया था आपने, बैठ जाओ, तो ये टाइम पास करना सब बंद कर दो, ठीक है, पढ़ लो अभी, नहीं तो बोर्ड में दूसरी तरफ कोई देखते रहोगे, और तुझे तो गली तो फिर सद नहीं है, चलो अब बहुत हो लिया, यहाँ देखो इसका आंसर ये हो गया, प्लस के हमने लगा कर लिख दिया यहाँ से सी। अब जो सवाल आने वाले वे आओगे लिमिट के, और लिमिट कैसा हो, जैसा ये समाकलन है, क्या आयो समाकलन का साइन, अब उसमें लिमिट आने वाली, जैसा यहाँ लिमिट आ गई एक, यहाँ आ गई दो, अब यहाँ लिमिट आने वाली, जैसे यहाँ एक होगी यहाँ दो होगी, ऐसा लिखा जाएगा एक्स प्लस के एक पीछे डी एक्स,
आपसे बोल देगा इस सवाल का आपको आंसर देना, ठीक है। ये लिमिट यहाँ एक होगी, यहाँ लिमिट यहाँ पर दो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, इसे लोअर लिमिट, मतलब और या मतलब इस, और हमेशा एक बात देखनी, या जो ऊपर की लिमिट होगी ना या इस वाले से ज्यादा ही होगी, इसलिए तो हमने बोला है अपर लिमिट, और इस वाले को हमने क्या बोला लोअर लिमिट, ठीक है, निचले वाली, ठीक है, बिल्कुल धरातल पर, धरातल पर नहीं आया, या कहाँ बैठी छत पर जा गया, यहाँ बैठी धरातल पर। तो अब जो हमें हमारे पास लिमिट आएगी, बस सवाल इसी तरीके से, कुछ नहीं करना आपको, अंदर का आना चाहिए सोल्व करना, लिमिट से डरने कोई जरूरत नहीं है, लिमिट से डरना ही नहीं है, लिमिट कुछ कह भी रही है आपको, आइए बताओ ये सवाल सोल्व कर दोगे सब, बहुत सिंपल सी बात है, सवाल को सोल्व करने में है क्या, यहाँ पे टू वो एक्स का स्क्वायर बटे में टू फिर प्लस के एक्स प्लस के सी सब कर लेंगे सोल्व। तो ये बताओ डरना क्या, यहाँ पे कितनी लिमिट आएगी, यहाँ पे आएगी एक और यहाँ पे कितनी आएगी दो, इसमें डरने की कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आपने लिमिट करिए बस कुछ नहीं करना। पहला सबसे पहला हम सवाल में क्या देखेंगे, यो सवाल है आपका, सिंपल से तरीके से आप सब सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर लेंगे। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, अब मुझे बता दो सोल्व करके इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से एक्स का स्क्वायर बटे दो फिर प्लस के एक्स करा, फिर ऐसे करके ब्रैकेट लगा देना, लगा दिया ब्रैकेट, अब इन लगा रहे रुक जाओ, ब्रैकेट लगा दिया, लगा दिया, अब ये बताओ जो लिमिट है दोनों दोनों लिमिट है ना, अपर वाली लिमिट वही ऊपर लिखनी, जो निचले वाली है वो नीचे लिखनी, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचा, कुछ भी नहीं करना, वह छत पर बैठी थी उसे बैठी रहने दो, ठीक है, यो याद है इसे रहने दो, ठीक है। अब कुछ है, अब इसमें आपको क्या करना, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा हो वहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट भरेंगे, ठीक है, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर जहाँ जहाँ हमें दूसरी बार x दिख रहा होगा वहाँ पर हम निचले वाली लिमिट लगाएंगे, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बात है सोल्व करना, जोड़ घटा सब पाना चाहिए और कुछ नहीं है, बहुत इससे आसान एक्सरसाइज तो कुछ है ही नहीं, फिर फॉर्मूले दिख रहे किसी को है ना, फॉर्मूले नहीं है ना। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ आपको इसमें बताओ एक्स इसके पास है, एक्स यहाँ भी, तो जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ को आप सबसे पहले, अच्छे बात हो दो भाई है बड़े बड़े, तो सबसे पहला मत नहीं वहाँ गलत हो जाओगे, या अपर वाली ना आप इसे वरीयता दोगे, ठीक है, सबसे पहला मतलब कि दो वाली ना इससे स्टार्ट करोगे। अब जब आप ये बताओ यहाँ एक्स है, एक्स की जगह आप कितना रखोगे दो, तो यहाँ दो की कितना हो गया स्क्वायर, फिर अपन में इच्छा कितना दो, ठीक है, फिर आपने ऐसे प्लस लगाया, एक्स की जगह आप कितना लिखोगे दो, इसके बाद आपको यहाँ प्लस नहीं लगाना, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको माइनस, ठीक है, क्या कितना क्या लगा दिया हमने माइनस, अब जो ये एक है इसके यह वाली हमने खत्म कर दी, इसकी कहानी खत्म होगी, बस इसकी दुनिया यहीं तक ही थी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पास, किसके यहाँ कौन है, अरे तरले वाली नाम नहीं कुछ है, तरले वाली ये एक है, एक अब जहाँ जहाँ तुम्हारे पास एक्स दिख रहा होगा वहाँ पर आप क्या रखोगे एक, तो एक कैसे रखोगे यहाँ पे एक का स्क्वायर बटे में दो, फिर यहाँ मुझे एक बताओ यहाँ प्लस था और यहाँ कितना माइनस, अभी अंदर जाए कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस दिख दिया और एक है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी एक। अब जब आप इसे सोल्व करोगे दो का स्क्वायर चार और चार को दो से भाग दोगे दो, तो यहाँ कितना आ गया दो, दो और दो चार, यहाँ पे कितना आया माइनस, यहाँ एक बटा दो फिर माइनस के वन, दो और दो चार, चार में से एक गया तीन, तीन माइनस के एक बटे दो, दो तिया छः में से एक घटाओ तो पाँच बटे है, कुछ इन सवालों में कुछ भी नहीं है, एक नंबर खत्म सवाल है, अरे इनसे डर रही है। अब देख अब अगला सवाल ना अक्षय ही बताओ, और कोई नहीं यहाँ बता रहेगा नहीं, अक्षय का दिमाग घूमता हुआ। तो भाई एक सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो पहला ही है इसमें, सात पॉइंट हम नो कर रहे हैं, ठीक है, मैं आठ इसलिए नहीं करवा रही, वहाँ पर योगफल यूज होगा, तुम लिमिट में कन्फ्यूज हो सकते हो, पहले यहाँ देखो, ठीक है, आज सात पॉइंट नो ही चल रही है, पहला आठ बाद में चलेगी इसके बाद, अब सोचा क्या पहले या करनी चाहिए या करनी चाहिए, कुछ कर लो सवाल आना चाहिए तुमसे, उसमें तुम कन्फ्यूज हो सकते हो, सात पॉइंट नो करो वो नहीं भी होते तुमसे, ठीक है, अभी एकदम से नहीं होने वाले वो, यहाँ पर लिमिट लिखी हुई एक और लिमिट नीचे लिखी हुई माइनस के वन, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स प्लस के वन और पीछे लिखा हुआ भाई आपके डी एक्स। तो ये सवाल सबसे पहला आपने सवाल देख लिया, ये आपको पता चल गया ये सवाल है लिमिट का, पता तो चल गया होगा, दिख ही रहा होगा। अब इसमें ये बता दो मुझे, हम अक्षय बता दो आपका लिमिट कौन सी, इसमें एक और जो लोअर लिमिट है, अब मुझे बता दो बड़ा कौन सा, एक है माइनस के एक, सबको ही बताया तो, ठीक है, अब अंदर वाला सोल्व तो सब पे ही करना आता होगा, तो ऐसा सोल्व करेगा हमारा देवव्रत। चलो भाई बताओ, एक्स प्लस के वन है, क्या करेगा इसका, एक्स का स्क्वायर फिर अपोन में कितनी, अपोन में कितना लिखूं दो फिर प्लस के एक्स,
अब मुझे क्या करना, बैठ जाओ। अब बस इसमें हम क्या लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, हमने लगा दिया ब्रैकेट। जिस तरीके से लिमिट थी बस उसी तरीके से सेम उतार देनी है, यहाँ पे एक, यहाँ पे माइनस के एक है। इसमें भी कुछ सवाल तुम्हें बिल्कुल पका पका है, हलवा मिल रहा, बस तुम्हें खाना आना चाहिए। अब मैं क्या करूँ जब तुम्हें खाना ही नहीं आता है, नहीं वो जो शादी हो रही है वहाँ चला जा, है वहाँ से देख, वो पूछ का यार, वही वही काम करा पूरे दिन, किसका क्या बन रहा। अब यहाँ देखो, सबसे पहला हम किसके पास जाएंगे, जो अपर लिमिट है, पहले जो पहला आ रहा है उसे वरीयता दे देंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ एक है, अब जहाँ जहाँ आपको ऐसे दिख रहा है वहाँ एक लिखेंगे, तो यहाँ कितना होगा, एक का स्क्वायर बटे दो, फिर प्लस के एक। अब हम क्या लगाने वाले, माइनस, ठीक है, हमने लगा दिया माइनस, ठीक है। अब जब आप इसमें माइनस रखोगे, एक काम करो, जब हमने माइनस तो लगाया, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप ब्रैकेट लगा के करो, ठीक है, कि उससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। यहाँ क्या लगा लिया हमने, ब्रैकेट, जब हमने ब्रैकेट लगा लिया, माइनस के एक है, आप इसमें लिमिट भरोगे तो माइनस के एक का क्या हो गया, स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, दो हो गया। फिर यहाँ कितना हो गया, प्लस, अब ये एक है, अब इसके साथ जाए कितना हो जाएगा, माइनस के वन। अब जब आप इसे सोल्व करोगे, भाई एक है, एक का स्क्वायर करो, अब मुझे बता दो, एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है, बटे यहाँ दो, फिर प्लस के वन, फिर ये माइनस, ऐसे ही माइनस एक का स्क्वायर करोगे। मैडम जी आप बताइए जरा, ये माइनस के एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, यहाँ बटे में दो, माइनस माइनस कैसे हो गया, प्लस, प्लस के कितना हो गया, एक, फिर प्लस के सी। अब यहाँ एक, ये चीज प्लस की, एक बटा दो, ये माइनस की, कैंसिल हो गया, एक और एक कितना हो गया, दो। तो इसका आंसर कितना आया आपका, दो। अब मुझे आप सभी ये बताओ, इस तरीके का सवाल कर सकते हो, हाँ भी, अभी देख तू ही करेगा अगला सवाल ना। तो एक सवाल है मेरे पास, बड़ा अच्छा सा सवाल है, देखने भाई, क्वेश्चन नंबर तीन है, यहाँ पे चार एक्स की क्यूब, ठीक है, फिर लिखा हुआ माइनस पांच एक्स का स्क्वायर, फिर कितना लिखा हुआ, प्लस के सिक्स एक्स, प्लस के नाइन, पीछे लिखा हुआ डी एक्स। सवाल अच्छा लग रहा है देखने में, है ना गगन, हाँ जी आंसर बता दो बस, क्या करोगे आप इस सवाल में, अभी लिमिट भी नहीं है, जिस तरह योगा इसके ऊपर लिमिट है दो, इसके नहीं एक है, ठीक है। अब देखो ये इनमें सवाल लोग कुछ नहीं है, जैसे 7 पॉइंट एक करते आ जाना, सेम वही है, बस लिमिट ही तो बढ़नी है, बाद में लिख ले प्रिंस, फिर तेरे को बताया भी नहीं जाता, ठीक है। तो इस सवाल में आप क्या करोगे, गगन बता दे जरा क्या करोगे इस सवाल में, क्या लिखेगा, चार ऐसे लिखा, एक्स की पावर कितना लिखा गया, चार अपोन में चार, ठीक है। अब आप चुप रहो, आप बताओ मैडम जी इसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगा दिया, फिर पांच एक्स, ठीक है, फिर प्लस छः एक्स दो, फिर अच्छा नौ एक्स हो गया। अब लिखा, उसके पीछे आप ऐसा ब्रैकेट लगाया, आप क्या लिखोगे अब यहाँ से, ओ यहाँ देख, उसके पीछे आप क्या लिखोगे, यहाँ से ऊपर कितना लिखोगे, दो, और नीचे एक, लिमिट भरो अब सब अपने आप ही, ये सवाल करो, नोट करो और उतार ही सभी करो। अच्छा तो मैं बताओ, तुम्हें ना नॉर्मली सा सवाल दे दिया, उसमें लिमिट ही तो बढ़नी, पता नहीं क्या। अच्छा इस वाले में तुम डरे नहीं, क्यों, ये जरा सा बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, इसमें क्यों डर गए भाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग तुम्हें लगाना ही तो पड़ रहा था, इसमें जोड़ घटा सा डर गए। इसके बाद तुम इसमें क्या करना था, पहले तुम्हें दो लिमिट भरनी थी। अब यहाँ देख लो जी, सब एक्स है, एक्स की जगह आप कितना भरोगे, दो, तो यहाँ कितना होगा, दो की पावर चार, ठीक है, अपोन में यहाँ कितना था, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ एक ही है, फिर यहाँ माइनस ऐसे ही, यहाँ पाँच बटे तीन ऐसे ही बिल्कुल सेम, एक्स है, एक्स की पावर कितनी भरोगे आप, दो, तो आप दो की यहाँ कितनी होगी, क्यूब, फिर यहाँ कितना है, प्लस, और यहाँ कितना रह गया था हमारे पास, तीन, और यहाँ कितना था, एक्स, एक्स की जगह आप कितने भरोगे, दो, तो इसका मतलब है दो का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस नौ ऐसे ही, एक्स है, एक्स की जगह आप कितना भरोगे, दो। पहले हमने जो ऊपरी वाली लिमिट थी वो हमने सब में भर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस के बाद हम क्या करेंगे, सीधा ब्रैकेट लगाया। अब हम कितने लिमिट भरने वाले, एक, जब यहाँ एक, एक की पावर चार करोगे कितना आ गया, एक, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पाँच बटे तीन, फिर यहाँ प्लस, यहाँ कितना आ गया, तीन, फिर प्लस नौ, समझ ला यहाँ से, फिर तेरे पास गजब, जीरो बटे तीन, वह पागल। अब मुझे बताओ दो की पावर चार कितना होगा,
16 होगा, दो की पावर चार नहीं निकाल सकता क्या? कैसे निकाल लगा बताइए, 8 × 2 = 16 ऐसा लिख, 2 × 2 × ऐसा होगा ठीक है। तो कितना होगा 2 की पावर 4 का आंसर? 16, हमने 16 लिख दिया। ओ भाई बिल्कुल सवाल को बिल्कुल छोटा 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 करके करो, अब इतना बड़ा सवाल है देख कर ही डरोगे। कहाँ से बताओ? 5/3 यहाँ, अब मैंने 1 रखा, अब 1 के क्यूब 1 ही होगा और 5/3 बैठ गया यहाँ से। मैंने तुम्हें यहाँ काट का दे नहीं दिया था क्या? 4 से 4 कट गया था यहाँ से, 16 यहाँ से आ गया, यहाँ कितना बैठ गया माइनस, अब यहाँ कितना 5/3, अब 2 के क्यूब कितना होता है? 8, तो 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ प्लस ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 = 12, फिर यहाँ प्लस 9 × 9 = 18, फिर ऐसे माइनस लगाया। अब इसे यहाँ एक बार देखो, 1 है यहाँ, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 5/3, ऐसे ही होगा माइनस प्लस। अब मुझे बताओ 9 × 3 कितने हो गए? 9 × 3 = 12, अब यहाँ माइनस के 12 आ गया, लो माइनस के 12 आ गया इस सवाल में। अभी आप एक बात आओ, 8 × 5 कितने हो गए? 40, तो यहाँ कितना आ गया? 16 − 8 × 5 हो गए 40। इसके बाद क्या करोगे तुम? 12 और 18 कितने हो गए? 30, 30 हमने यहाँ लिख दिया। अब एक बताओ, यहाँ माइनस है और माइनस के 12 और माइनस के कितने हो गए? माइनस के 13, कैसा कर लो, और तुम्हें जोड़ना और घटाना ही तो है, 5/3 बिल्कुल सेम ऐसे ही। 16 दिया, इसके गुना पहले से कर दे, 16 दिया 48, अब 48 मतलब 40 घटा दो, 8 बच गए, तो यहाँ कितना हो गया? 8/3। अब 3 इसके पास है, 3 इसके पास भी यहाँ लिख दो 5/3 लिख दिया, इन्होंने इकट्ठा करके लिख दिया। अब मुझे 30 मतलब आपको 13 घटाने, कितने बचे गए? 17। जब तेरी कैलकुलेशन इतनी बढ़िया तो तुझे सवाल को देखकर डर क्यों लग रहा भाई? करना नहीं। 5 और 3 कितने हो गए? 8 और 5 कितने हो गए? 13। तो यहाँ कितने हो गए? 13/3, फिर प्लस के 17। अब इसमें क्या करना आपको? बस 13 की 17 + 51, अब आपको 51 ये हो गया, और 51 में कितना जोड़ना? 13, तो कितना हो गया यहाँ से? 64। तो इसका आंसर कितना होगा? 64/3। पता है क्या, तुम इस सवाल को मैंने कहा बिल्कुल आराम आराम के साथ करो, आ जा तुझे हटवाऊंगी मैं आज। अब जो सवाल है ना, अब वो कुछ आने वाले साइन की फॉर्म में, कैसा? अच्छा एक बात हो, कहीं ऐसा लिखा हुआ sin 2x, पीछे लिखा हुआ आपका dx। अब इस सवाल को, सवाल है आपके पास, इसका करने का बहुत ही सिंपल तरीका मुझे बता दो, बस साइन का समाकलन क्या होता है? कोस होता है, और कैसा होगा? माइनस में। तो इसका, अब इसका आंसर कितना होगा? माइनस के कोस, ऊपर है 2x, अब जो 2 था इसके भी, यहाँ सिंपल x नहीं है, कितना है यहाँ पे? 2x, अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में, तो यहाँ 2 हो गया, इतना इसका तो समाकलन कर लिया। अब इसके साथ दे रखी लिमिट, और लिमिट दे रखी यहाँ पे है π/4 और यहाँ पे है 0, ठीक है। अब ये π/4 को देख कर ना सब डर गए, पक्का डर गए होंगे। अब मैं बताओ, ऐसे ही लिमिट हमने यहाँ से करी, यहाँ कितना लिखोगे आप? π/4, यहाँ पे कितना लिखोगे? 0 लिख दिया, कुछ भी नहीं करना। अब इसमें बराबर आपने ऐसे ही लगाया, जैसे हम पहला लिमिट भर रहे थे इसी तरीके से ऐसे भरेंगे, माइनस ऐसे ही लगाया cos 2। अब x की जगह मैं पहला क्या लिखूंगी? π/4 मैंने यहाँ पे लिख लिया, अपोन में कितना है? 2, ऐसे ही बिल्कुल सेम। फिर यहाँ पे वो तो है ही नहीं लगा कुछ, अब क्या लगाएंगे हम? सीधा माइनस लगा दिया, माइनस, ठीक है। अब हम किसके पास जाएंगे? 0 वाली लिमिट के पास। अब जब 0, इसमें आप माइनस है, माइनस माइनस कैसा हो जाना? प्लस, प्लस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा cos 2, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, अपोन में कितना हो गया? 2। अब मुझे आप एक बात बता दो, यहाँ कितना है ये? 2, और यहाँ पे कितना है? 4, कट जाएगा ये। अब मुझे इसमें से यहाँ बता दो, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे आ गया कोस, ये कितना? π/2, और बटे में कितना आ गया? 2, फिर यहाँ प्लस ऐसे ही। अब कोस है, अब 2 के साथ 0 गुना हो गए, cos 0 / 2। अब देखो यहाँ से, ये π/2 थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है भाई 180, कितना होगा? 180, तो π/2 का मतलब कितना होगा? 90। अब मुझे सब ये बताओ, cos 90 का वैल्यू कितना हो? 0, सबको बताया बात, तो माइनस ऐसे ही cos 90 का वैल्यू कितना होगा? 0, तो यहाँ कितना होगा? 0/2, फिर प्लस, और cos 0 का वैल्यू कितना हो? 1 हो, तो यहाँ कितना आ गया? 1/2, यह चीज तो 0 होगी, तो इसका आंसर कितना हुआ? 1/2 हुआ, बिल्कुल ठीक। अब रुक जाओ, एक चीज और समझ चलो यहाँ से,
कहीं आपके पास लिखा हुआ, आप इस चीज का मतलब समझो यहाँ से। इसे हम क्या बोलते हैं? पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है भाई? 180। ठीक है, ये तो सबको ही पता, अक्सर बाद में लिख लिए। अगर इसके अपोन में मैंने कितना लगा दिया? 2। तो इसका मतलब हो गया 180 के बटे में हमने 2 लगाया तो कितना मतलब हो गया? 90। अगर इसके बटे में मैंने 3 लगाया, फिर 180 बटे 3 कितना आ गया? 60। ठीक है, पाई बाय 4 बताओ, 180 के बटे में 4 कितना आ गया? 45। ठीक है, अब जब हम वह टेंथ वाली सारणी तो सभी के याद होगी। ठीक है, क्या थी वहाँ? अब मुझे बताओ, साइन 0 है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना हो? साइन 0 का वैल्यू 1। और यहाँ से बताओ, अगर ऐसे लिखा हुआ साइन ऐसा ही है पाई बाय 4, इसका मतलब क्या होगा? सब पढ़ना सीखो। साइन 45 का मान, अब आओ साइन 45 का मान आप भी बताइए जरा क्या होगा जरा। क्या साइन 0 का मान 0 ही तो था, पता नहीं उन्होंने बताया था। साइन 45 का मान बताओ कितना? कितना? 1/√2। ओ, अब मुझे बताओ कोस 45 का मान कितना हो? कोस 45 का मान 1/√2 ही हो। कोस 45 साइन 45 मान एक ही हो। अब मुझे बता दो टेन 45 का मान कितना होगा फिर? टेन 45 का कितना? 1 होगा। 1 होगा, 1/√2 होगा, 1/2 होगा। वेरी गुड, आप बताओ टेन 45 का मान कितना होगा भाई? हाँ जी, ओ 1/2। वेरी गुड, आप बताओ, 1/√2। झंडे गाड़ी देने तो आप बताओ, एक ही होगा। अरे बुद्धि मानो थोड़ा, यहाँ से ओ यहाँ देखो, ओ यहाँ देख, कहीं ऐसा लिखा हुआ टेन एक्स है, टेन एक्स का मान कितना हो ये बताओ? साइन एक्स, और साइन एक्स के बटे में कितना हो? कोस एक्स। साइन एक्स का मान कितना है यहाँ से? 1/√2, मतलब साइन 45 का अपोन में कितना? कोस 45 का 1/√2। रूट दो सा रूट दो, आंसर तो एक ही आना। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना बस, इसका पता चला ऐसा, इसका तो पता चला ऐसा। ठीक है, आप मुझे एक बताओ, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ साइन पाई बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ? साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो? एक ही हो। और अब जितना, अब देखो साइन, इसके बाद यहाँ समझो साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना था बताओ? साइन 0 का मान 0। फिर साइन के बाद इसमें यूज होगा आपका सबसे ज्यादा साइन 45। साइन 45 मैंने लिखवाई थी 1/2, कोस 45 1/√2, टेन 45 कितना होगा? 1। ठीक है, अब मुझे आप बस एक हो रहा है इसमें, अब बताओ कोस ऐसा लिखा हुआ, कोस के बाद पाई बाय 2, इसका मतलब क्या? कोस 90, उसका वैल्यू कितना हो? कोस 90 का पूछा मैंने, 0 1 हो। जो साइन वाला होगा ना इनमें एक, अगर जो साइन का 90 हुआ तो साइन 90 का 1 हो, तुम्हें एक पता, तो कोस 90 का 0 होगा। अब ऐसा ही देखो, इसमें साइन 0 का मान कितना? 0। अगर हम कोस 0 का मान कहेंगे ना, वो 1 होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है ये। और भाई इसमें और कुछ नहीं है, पहला ये वाला सवाल नोट करो, आप वीडियो बंद कर दिए, सुनो वो नहीं पॉज कर दिया मतलब। अब मुझे आप एक बार बताओ, जैसे ही सवाल है, एक सवाल ऐसा लिखा हुआ, समाग लाइन ऐसे ही है कोस, और यहाँ पर लिखा हुआ 2x, पीछे लिखा हुआ आपका dx, और लिमिट दे रखी है आपके पाई बाय 2 और 0। ऐसा कर सकते हो आराम से, ऐसा हर कोई कर लगा। ठीक है, मुझे बता रहा है दो, बस कर लोगे आप ऐसा। अब देखो जरा तुम्हारा पीछे, अब देखेंगे किसने पिछले सवाल कितने अच्छे कार्ड रखे, कौन कितना बढ़िया पढ़ रहा। ठीक है, अब देखते हैं। चलो अब आदों के दिल की धड़कन बढ़ती हुई, एक सवाल आने जा रहा आपके सामने, dx ऐसे लिखा हुआ, और लिखा हुआ यहाँ देखो 1 माइनस के x का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी लिमिट है 0, और इस यहाँ पे है 1। अब मुझे आप सभी ये बता दो, इस सवाल को आप कैसा करोगे? अंदर वाला सवाल सोल्व करना, लिमिट भूल जाओ। अभी क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लगेगा, पिछली एक्सरसाइज इस पर आधारित है, बताओ क्या करोगे आप? साथ को लगा, हाँ भाई इज्जत दिन क्या करोगे इसमें? कौन सा वाला लगेगा? 1/2 वाला। हाँ मैडम जी, इस सवाल में आप कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे? साइन इनवर्स वाला, ये बोल रहा हुआ ठीक कह रही है। डी एक्स ऐसे ही हो गया, अंडर रूट है a का स्क्वायर फिर माइनस के x का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला था इसका?
साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस के सी फॉर्मूला था ये। अगली एक्सरसाइज अभी हो जाए, पिछले एक्सरसाइज हो, ठीक है? ओ गगन चुप होकर बैठ जा, बताइए। अच्छा अभी इसके बाद क्या करेगा तू, क्या करेगा? फॉर्मूला ये लगेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में। अब यहाँ फॉर्मूला भर क्या करेगा बता, साइन इनवर्स लिख दिया मैंने, अब क्या करूँ? एक्स, अब ए का वैल्यू कितना इसमें? एक है। अब क्या करूँगी अब बता? अरे भाई इसे सोल्व तो कर लिया, बात खत्म होगी। अब क्या लगाओगे? ब्रैकेट। अब लिमिट बढ़नी यहाँ पर एक, यहाँ पर जीरो, ऐसा नहीं कर सकते, हो गया। बस इसके बाद लिमिट बढ़नी। अब लिमिट जब आप भरोगे कैसे करोगे सर? साइन इनवर्स ऐसे ही, यहाँ पहले कितनी आ जाएगी? एक, फिर क्या लगेंगे? माइनस। अब यहाँ पे कितना? साइन इनवर्स, अब जीरो। अब मुझे आप जरा कोई आप बताओ मैडम जी, साइन इनवर्स एक है, आप इसे कैसे सोल्व करोगे? अभी तो आंसर तो लाना ही, इतना छोड़ी छोड़ना, क्या करोगे? साइन इनवर्स का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे भाई आप इसमें? ऐसे कितने फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या करोगे मैडम जी इसमें? आपको आंसर लाने था 3, 5, 7 कुछ तो करोगे। हाँ मैडम जी, आप क्या करोगे इसमें? आप क्या करोगे सोलन मैम? एक का मान रखेंगे, क्या रखोगे भाई? एक का मान साइन 90 का मान, यह बात इसने सही गई। देखो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स, हमें क्या काटना है? साइन इनवर्स, ठीक है? यही तो काटना का। देखो यहाँ पर साइन एक होता तो जब आप कुछ अलग सोचते, यहाँ कितना? साइन इनवर्स। आप साइन इनवर्स बिल्कुल ऐसे ही, एक है, एक को आप क्या लिखते हो बताओ? साइन, एक को क्या लिखते हो? साइन 90। तो आपने यहाँ लिखा बस साइन 90, फिर यहाँ पर क्या करोगे आप? माइनस, फिर आपने साइन इनवर्स ऐसे लिखा। मुझे बताओ साइन का ऐसा कौन सा मान है जो जीरो से स्टार्ट हो रहा, मतलब जिसमें जीरो आ रहा हो, तो कौन सा? साइन जीरो। तो आप ऐसे लिख दोगे साइन जीरो। आप इसमें बताओ साइन इनवर्स साइन कट नहीं गया, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन वो भी कट गया, काटना नहीं ऐसे दिखाना, ठीक है? तुम्हारा दिखाने कटता ऐसा करेगा। तो यहाँ कितना बच गया? पाई बटे दो, और यहाँ पे माइनस ऐसे, यहाँ पे कितना बच गया? साइन इन साइन जीरो बचा, साइन इनवर्स जीरो बचा, बताओ क्या बचा यहाँ से? जीरो बचा। तो इसका आंसर कितना हो गया? कर लो कैसे सवाल, 90 बचे, पाई बटे इन आंसर जो आपका ना पाई बटे दो की फॉर्म आ रहा, कहाँ से नहीं आ रखा 90, ठीक है? अब मुझे आप फिर अगला सवाल करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ से, एक बाद में नोट कर लो, मैं नोट करने का टाइम दूंगी। समाकलन ऐसे ही, यहाँ पे एक है, यहाँ पे जीरो, और 22 मार्क्स से खड़ा हो जाए बस अभी सही। 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर, इससे अगर तेरे ना जो ने बताया ना फिर देखे तू आज अक्से। 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर है, इसे मत बता, ठीक है? क्या करेगा इसका टैन इनवर्स का? मुझे तो बस फॉर्मूला बता दे, टैन इनवर्स एक्स अपॉन में प्लस के सी। अरे भाई तू कौन सा वाला फॉर्मूला बता रहा, मुझे ये तो बता दे। हाँ भाई गगन क्या करेगा इसमें? गगन सलोनी मैडम क्या करेंगे आप इसमें? वन अपॉन में फॉर्मूला बोल दे बस, वो वन अपॉन में ए, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस के सी, यो वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? बैठ जा पढ़ ला, ठीक है? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? टेन इनवर्स बिल्कुल सेम ऐसे ही, एक्स ऐसे ही, अपॉन में ए है, ए का वैल्यू यहाँ कितना था? एक, तो यहाँ एक बटा ए हो जाता है, यहाँ भी एक हो जाता है, इसलिए लिखा नहीं। फिर इसके पीछे हम क्या बनेंगे? लिमिट, एक बटा जीरो। अब इसमें चलो लिमिट बनना सीखेंगे, फिर टैन इनवर्स ऐसे ही, एक्स की जगह आप कितना लिखोगे? एक, फिर यहाँ माइनस टैन इनवर्स, यहाँ कितना लिखोगे एक्स की जगह? जीरो। अब मुझे ये बता दो, मैडम जी बताओ, टैन इनवर्स एक है और मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी, ठीक है? वैल्यू निकाल लेना, तो इसी तरीके से आप कैसे कटोगे? सोचो अपने दिमाग में, एक कहाँ आ रहा था टैन में? टैन 45। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे? बिल्कुल ठीक, टैन इनवर्स आप ऐसे ही लिखोगे, फिर एक की जगह आप क्या लिख सकते हो? टैन 45, और 45 को आप क्या लिखते हो? पाई बाय 4। ऐसा सोचना कि हम जीरो को क्या लिखेंगे, बस टैन वाली सारणी में जाना, ठीक है? आप यहाँ क्या लिखोगे? टैन इनवर्स। अब मुझे आपसे अब एक बात आओ, टैन जीरो है, टैन जीरो का मान कौन सा हो? जीरो, जीरो टैन जीरो ही हो, ठीक है? टैन जीरो का मान कितना हो? अब जो टैन 90 है ना उसका मान हो अनंत, ठीक है? टैन इनवर्स टैन है तो कट जाएगा, यहाँ कितना आ गया? पाई बाय 4। फिर यहाँ माइनस टैन इनवर्स टैन जीरो जीरो, तो इसका आंसर कितना हुआ? है सब कुछ आसान सवाल, ये आसान जब बनोगे तब तुम पिछले वाले एक्सरसाइज निकाल लोगे, इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। पहले ये वाला नोट करो, ओ भाई अब यहाँ देखो। अच्छा ये तो थे सिंपल से सवाल, अब थोड़े अच्छे से सवाल आने वाले। अब आप सब मुझे ये बताओ, ओ चुपा हुआ बैठ जा, नहीं तो यहाँ बता, यहाँ पर लिखा हुआ आपका एक्स लिखा हुआ यहाँ से ऊपर, पीछे लिखा हुआ डी एक्स, नीचे लिखा हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 1
और लिमिट दे रखी है भाई इसमें, यहाँ पे है दो, यहाँ पे है तीन। अच्छा डी एक्स है इस, ये सवाल है आपके पास गगन, इस सवाल में तो करना कैसा आएगा? हाँ कैसा करेगा बता, कैसा करेगा? कौन सा सूत्र लगा देगा भाई तू उसमें? एक्स स्क्वायर प्लस के वन वाला, वो जब लगेगा जब ऊपर एक्स नहीं होता। आप खोल कर देंगे यहाँ ऊपर एक्स है, अब क्या करेगा इसमें, क्या करेगा? टी भी तो मानना देगा अभी, अब तो सोच लो क्या मानना है इसमें। एक्स को टी मान लू, एक्स को टी मान लू मैं, तेरा थप्पड़ ऐसे मारूंगी पढ़ ला जाएगा। एक्स स्क्वायर को टी मान लू, प्रिंस क्या मानना का? एक को रिकॉर्ड ही तोड़ दिए बिल्कुल। आप एक्स को टी मानना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ए बार इसके लिए क्लैपिंग जरूर करो भाई, बस बस ओ बस। अच्छा तू बता, तेरे जैसे दिमागदार को यो नहीं दिख रहा, तू एक्स को टी मानना का, तो जब इसका एक्स, तू यहाँ पूरे को एक्स स्क्वायर प्लस के वन को टी मानना का, ठीक है? अब जब इसका तू समाकलन करेगा यहाँ कितना जाएगा, टू एक्स ऐसे आ जाएगा, फिर बराबर डी टी बाई में डी एक्स। यहाँ से हमें क्या निकालना, एक्स डी एक्स, तो ये ले एक्स डी एक्स बराबर एक बटा दो, यहाँ पे कितना डी टी, एक बटा दो डी टी लिखना। ओ यहाँ होगा समझ, फालतू सवाल बताए नहीं जरा, बस बकवास छेदने पर लगे पड़े हैं। सरा माने जाए तो मुझे सवाल नहीं हो रहे। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, एक बटा दो तो आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कितना हो गया पिछा डी टी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वन को आप क्या लिखोगे टी। अब मुझे ये बता दो इसका आंसर क्या होगा, इसका समाकलन करके क्या आता है? लॉग टी, लॉग टी आ गया। और इसके जब आप लिमिट भरोगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक यहाँ पे दो, तो एक बार लॉग ऐसे ही टी की जगह आप क्या लिखोगे एक, फिर यहाँ माइनस एक बटा दो ये रही बार, और यहाँ कितना आ गया लॉग टी की जगह दो, लॉग एक माइनस के लॉग दो। अब आप इसमें आप बताओ इस हम कैसे और अच्छे से वाले फॉर्म में कैसा लिख सका, थोड़ा सा और बढ़ाना, ऐसा क्या लिखोगे बताओ? लोग एक बटा लोग दो, लोग एम माइनस के लोग एन वाला तो पढ़ाई सब ना, तो बस। हाँ जी इसकी लिमिट तो तीन और दो होती ना, हमने एक दो। अच्छा एक दो आएगी, लिमिट ही बदल दी होगा। वाह यहाँ कितनी तीन, यहाँ होगी दो, यहाँ तीन होगी, तो लिमिट ही बदल दी हमने तो इसका आंसर होगा लोग यहाँ तीन बटे दो, ऐसा इसका आंसर होगा, ठीक है? इसे नोट करो, हमने लिमिट ही बदल दी। वाह आप समझ ले, छह नंबर का सवाल आने वाला है, बेहतरीन सवाल है, ठीक है? अब जो आप सवाल चुप, क्वेश्चन नंबर 14 है इस समय, आईलेट बराबर समाकलन ऐसे ही, और यहाँ पे लिखा हुआ वन और यहाँ पे लिखा हुआ जीरो, ठीक है? टू एक्स प्लस के तीन, ओ अक्षय इसका क्या करता तू भाई, टू एक्स प्लस के तीन का समाकलन कर इसका जल्दी। हाँ फटाफट बता दे, थप्पड़ आगा मैं मारूंगी। अच्छा फिर अच्छा टू एक्स का स्क्वायर बटे दो प्लस के थ्री, ठीक है? ओ भाई गगन अगर इसके बटे में पांच लिखा होता अब क्या करता, पांच लिखा होता अब क्या करता? ठीक है बस अब कोई नहीं, अब यहाँ बताओ पांच एक्स का स्क्वायर प्लस के वन करवा रखा इस तरीके का सवाल, सबको पता करवा रखा, ठीक है? अब मुझे आप ये बता दो इस सवाल को आप सोल्व कैसा करोगे, अंदर का सोल्व करना। हाँ मैडम जी सोल्व कैसा करोगे आप इसका, पता नहीं करवाया नहीं मैंने इस तरीके का सवाल, करवाया आप बताओ कैसे सोल्व करोगे, सवाल करके देखिए। हाँ मैडम जी हाँ फॉर्मूला क्या था वो, ये देख पिछले वाली कॉपी खुल गई फॉर्मूला। हाँ मैडम जी फॉर्मूला क्या था वो, फॉर्मूला क्या था वो, पी या फोन में टू ए फिर ध्यान से निकल गया आपके क्या ए एक्स स्क्वायर, आप बताइए जरा पहला लोग आ गया यहाँ से है। अच्छा आप क्या लिखो, अच्छा हाँ सलोनी देख नजर ना छुआ यहाँ बता क्या, जल्दी बता सलोनी क्या लिखोगी इसमें। लोग ए एक्स का स्क्वायर प्लस के, अच्छा पहले पी अपोन में ये कहना चाह रहे हैं आप, पहले पी अपोन में टू ए लिखा फिर
लोग ऐसा लिखा, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, फिर प्लस लगाओगे आप, फिर क्यू माइनस के पी बी अपोन में टू ए। अब क्या लिखूंगी? अच्छा समाकलन ऐसे ही, समाकलन ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये था इसका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला था, याद था तुम्हारे? जब प्रैक्टिस ही नहीं करनी कर जाएगा, कितनी बार कट दो, इसमें लोग नहीं आ रहेगा, ये बिना लोग का, फॉर्मूला ठीक है, रफ कॉपी में देख लो, बिना लोग का आयो। ओ भाई पढ़ लो करो, ये फॉर्मूले याद कर लो, नहीं तो जितना आगे कोई बढ़ते जाओगे ना पिछला सारा भूलते जाओगे। ठीक है, अब जब आप इसमें मुझे बताओ पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू कितना इसमें, दो, और क्यू का, ए का और बी का, बी का जीरो, ठीक है, और सी का एक। फॉर्मूला ये रहा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लिखोगे, फॉर्मूले के अंदर क्या करोगे आप, मान पुट अप करेंगे और कुछ भी नहीं करना इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करो बार बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस। अच्छा ये बताओ, आप साइकिल चलानी आती होगी सभी भाई, बाइक चलानी, बाइक तो चलानी आती होगी, क्यों बाइक नहीं चलानी आती? हाँ रेडा, अच्छा चुप है, ये बता मोबाइल है तुम्हारे पास, मोबाइल है, मोबाइल में व्हाट्सअप होगी, किसी ने सिखाई तुम्हें कि ऐसे ही व्हाट्सअप चलेगी, बार बार यही चलेगी, ठीक है, क्यों तुम ना अभी मैसेज करा था, क्यों कर जाओगे किसी को, की पैड के फोन में फोन तो मिलाना आता ही होगा, कैसा पता तुम्हें, तुमने बार बार उसकी प्रैक्टिस करी, ठीक है, सवाल भी वही है, क्यों बार बार फोन लगाओगा तू, ऐसा करेगा तो प्रैक्टिस ही तो होगा। अब मुझे आप तो पी का क्या करेंगे, हम सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे, अब पी का मान कितना है इसमें, पी का मान और ए का मान दो ऐसे लिखा, ए का मान कितना है पाँच, फिर आप क्या लिखोगे लोग, ऐसे ही बिल्कुल सेम चीज आपको यहाँ लिखनी, तो यहाँ कितना होगा पाँच एक्स का स्क्वायर प्लस के वन, फिर प्लस के क्यू का मान बोल लो इसमें कितना, तीन, ठीक है, और आप क्या लगाओगे माइनस पी और बी, पी कितना है दो और बी कितना है जीरो, और अपॉन में कितना है दो, ए का वैल्यू कितना है पाँच, समाकलन ऐसे ही डी एक्स ऐसे ही पाँच एक्स का स्क्वायर फिर प्लस के वन। ओ यहाँ समझ ला, अब मुझे आप एक बार बताओ इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दो ऐसे ही पाँच दूनी दो से दो काट लो पहले, तो यहाँ कितना आ गया एक बटा पाँच, फिर यहाँ पर लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही पाँच एक्स का स्क्वायर प्लस के वन, फिर प्लस ऐसे ही ये वाला दो की गुना जब आप जीरो में जीरो हो गया तो यहाँ कितना आ गया आंसर तीन, तीन आ गया, फिर समाकलन ऐसे ही। अब आप मुझे एक बताओ इस चीज़ में से आपको सवाल तो सॉल्व करना ही, तो यहाँ पाँच एक्स का स्क्वायर है प्लस के एक, आप इसमें से एक काम कर लो, क्यों ना मैं अगर इसमें से इस पूरे सवाल में से क्या बाहर निकाल सकूँ बताओ, पाँच, पाँच को अगर आप बाहर निकाल लोगे तो आप कैसे बाहर निकाल लोगे भाई बताओ, एक बटा पांच करके बाहर निकाल लोगे, तेरे पे इतनी आसान चीज ही तो नहीं बताई जाती, मैं क्या करूं, तेरे ने बताया है कौन सी दुनिया में जी रहा भाई, कौन सी दुनिया में जी रहा मुझे बता दिए, क्या यहाँ क्या लिख दिया आपने तीन। अब हम क्या देखो यहाँ से, क्या देखना स्क्वायर है, या तो आप ऐसा करके खोल लो ए वाला वो फॉर्मूला लगा के, या फिर इस तरीके से सोचो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है फिर प्लस ऐसे ही यहाँ पे एक है, ठीक है, पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है आपका पाँच है, तो यहाँ पे अभी समस्या कौन सी पाँच, आपको क्या हटाना है पाँच। अगर अच्छा एक बात हो, अगर मैं इसके अपोन में इसके साथ मुझे क्या लगाना पाँच, अब पाँच हटाने के लिए आप क्या कर दे पाँच तो ऊपर गुना पाँच था निश्चय गुना, अब इसके बाद बताओ जब अगर आपको पाँच हटाना तो पाँच आपको ये वाला लेना पड़ेगा ना इसके साथ देना पड़ेगा, तो आप जब इसका पाँच यहाँ पाँच ले जाओगे यहाँ कितना हो जाओगा, फिर सोच का बताओ यहाँ कितना हो जाओगा पाँच ही रहेगा, यहाँ कितना हो जाओगा एक बटा पाँच, मैं पूछ रही पाँच या पाँच पाँच हट की पड़ी तो
तो मुझे ये बताओ, ये वाला पांच हमने ये ले लिया, अब ये पांच तो यहाँ बाहर जाओगा, तो यहाँ बाहर कितना निकल रहा अपना? एक बटा पांच बाहर निकाल लिया। यहाँ पे कितना हो गया डी एक्स, फिर अपोन में यहाँ पे कितना हो गया एक्स का स्क्वायर, पांच तो कट गया ना, फिर यहाँ प्लस, अब यहाँ कितना लिखूंगी मैं एक बटा पांच। अब तो समझ में आ गया, पांच पांच कर रखिए घंटे सा। अब एक्स स्क्वायर प्लस के एक बटा पांच, ठीक है, पर अब यहाँ क्या बनाना, अभी हमें ए का स्क्वायर बनाना था, ए का स्क्वायर बन रहा अभी, हो बन नहीं रहा ना, तो अभी सब बनाने के लिए क्या करोगे, थोड़ा पहले और बड़ा कर लो, यहीं से ज्यादा घिच पिच नहीं करा करते लोग। पांच एक्स का स्क्वायर फिर प्लस के वन फिर प्लस, अब यहाँ कितना हो गया तीन बटा पांच। इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते डी एक्स ऐसे ही, अक्से बताइए जरा सा पांच को, मुझे ए का स्क्वायर बनाना, मैं क्या लिखूँ यहाँ से, कुछ भी एक बटा पच्चीस लिख दो, मैं तो मेरी मर्जी है, तो गगन क्या लिखूँ यहाँ से, मुझे यहाँ अभी ये ए का वैल्यू और मुझे यहाँ ए का स्क्वायर बनाना, क्यों पढ़ रहे हो तुम, मुझे बता दो, एक सवाल भी तुम सब सही साफ कर क्या लिखेंगे, मैं एक बटा पांच और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसके वाला कौन सा फॉर्मूला लगाओ बताओ, एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, वो आप फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे आप लिमिट भरोगे, ठीक है, करवाऊं पूरा, एक बटा पांच आपने ऐसे लिखा लोग ऐसे ही, यहाँ पे कितना पांच एक्स का स्क्वायर प्लस के वन फिर प्लस के तीन बटे पांच, इसका आंसर कितना होगा बताओ, हाँ खाली मैं बना दूंगी और बता, एक्स स्क्वायर प्लस के एक बटे रूट पांच पूरे का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था वो बताओ, एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, आप बताओ, वन अपॉन में ए था उसमें पक्का, फिर अच्छा फिर एक्स अपॉन में ए प्लस के सी, यही था कौन सा था, अब आप मुझे बताओ एक बटा ए लिखोगे तो आप क्या कितना होगा, एक ऐसे ही ए का वैल्यू कितना एक बटा रूट पांच, फिर क्या लिखोगे टेन इनवर्स, अब एक्स का वैल्यू कितना एक्स ए का वैल्यू बोल लो बस कितना एक बटा रूट, ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता है इसको, है ना, ये तो बहुत अच्छी तरीके से बताया, और कुछ नहीं पता है सब, और कुछ भी नहीं पता, एक बटा पाँच आपने ऐसे लिखा लोग ऐसे ही, पाँच एक्स का स्क्वायर प्लस के वन फिर प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पाँच है, यहाँ कितना रूट पाँच, अब मुझे आप बताओ इसका जब आप सोल्व करोगे, पाँच ऊपर लेंगे तो यहाँ कितना हो गया तीन बटे पाँच, अरे पाँच कहाँ चला गया रूट पाँच, ज्यादा नहीं पांच पांच हो रहा, तो ऐसा जब आप सोल्व करोगे ना इस वाले को, क्यों पांच को आप क्या लिख सकते हो रूट पांच गुना रूट पांच, इस तरह एक सा यो कैंसिल, बस बच का तीन बटे रूट पांच, ज्यादा पांच पांच नहीं करा करते, चलो नहीं यहाँ देख ला, फिर तेरे फॉर्मूले भी याद नहीं होते, यहाँ कितना लिखेंगे हम टेन इनवर्स रूट पांच एक्स, आंसर तो आएगा, पर आंसर किस चीज का आया मुझे बताओ, अब अभी तक हमने सिर्फ समाकलन सोल्व करा, लिमिट सोल्व करी, लिमिट नहीं करी ना, तो जो हम ये सोल्व कर रहे थे यहाँ से आई का मान सोल्व कर, अभी हम अंदर से सोल्व कर रहे थे ये वाला, आज जब आप क्या इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें लिमिट भरेंगे, तो जब आप इसमें लिमिट भरोगे लास्ट में जाके आई बराबर ऐसे ही ब्रैकेट ऐसे लगाओगे, फिर ये वाली पूरी चीज लिखोगे, मैं लाइन यही लिख रही हूँ, ठीक है, आई बराबर ऐसे ही ब्रैकेट ऐसे लगाया, अब आप क्या करोगे यहाँ से लिमिट भरेंगे, लिमिट कितनी भाई एक और जीरो, पहले तो बात लिमिट ना भूल जाएगी, को पता चला तो मैम हम तो सवाल कर लिया, वो तुम्हारा चार ही देगा नंबर, ठीक है, चाचा तो है नहीं हो तुम्हारा, इतने से सवाल का तुम्हारा चार देगा, फिर जब लिमिट भरोगे जब तो देगा छः, क्यों सवाल नहीं बड़ा हो रहा हो, नहीं तो इतना सारा होता सवाल, आए भी यही है यही हम और हो रहा तुम्हारे पास इतने इतने छोटे छोटे से आ गए, ऐसा कितने पेपर दे दिए बारहवीं द्वार से तो नहीं कर रहे भाई, यहाँ देखो अब साहब एक बटा पाँच है लिमिट बननी, बहुत सिंपल सी, क्या बननी है मामा, अब लिमिट कौन भरेगा बताओ, बताओ एक बटा पाँच ऐसे ही बिल्कुल सेम, लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही, फिर हाँ ले पाँच एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, अच्छा पाँच हो गया, फिर प्लस एक कितना हो गया छः होगा, अरे सिंपल जोड़ जाड़ का बता दो ना, छः होगा यहाँ से ले लोग छः, फिर क्या लगाओगे प्लस तीन बटा रूट पाँच, फिर माइन टेन इनवर्स, अब क्या लिखेंगे यहाँ से रूट पाँच, एक्स का वैल्यू कितना हमारा एक, बैठ जा, अब भाई मैडम जी आप बताओ ये नया मैडम बताएंगी, माइनस हमने लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ जीरो, तो आप जब जीरो भरोगे इसमें तो इसका
इसका मान कितना हो जाएगा जीरो, पाँच एक्स का स्क्वायर तो जीरो ही, तो इसका पाँच के साथ एक्स का स्क्वायर आपने लगाया जीरो हो गया, फिर प्लस के एक भी तो है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से एक बटा पाँच, बिल्कुल सेम ऐसा ही लोग ऐसे ही, यहाँ कितना बचेगा लोग वन, समझ में आया लोग वन क्यों बचेगा, क्यों आया बचेगा, जीरो हो जाओगा ठीक है, फिर यहाँ प्लस ऐसे लगा दोगे, प्लस लगेगा माइनस, ये ब्रैकेट ना लगा तो यहाँ प्लस लगा दो, फिर यहाँ कितना होगा तीन बटे, अरे अंदर ही ले जाओ यहाँ माइनस लगाओ, तीन बटा कितना हो गया रूट पाँच, यहाँ कितना होगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, अब ये रूट पाँच है, एक्स की गुणा करोगे आप इसमें रूट पाँच में कितना आ जाएगा, रूट पाँच की गुणा तुझे एक्स के साथ करनी, रूट पाँच की गुणा तो क्या करेगा रूट पाँच एक्स, अरे भाई यहाँ पाँच है रूट पाँच, इसकी गुणा जीरो के साथ करनी, जीरो ही नहीं आएगा क्या, पता नहीं कौन से एक्स बोल रहा था, एक्स बोल रहा था, वो जीरो बोल रहा था अपने, अरे वहां जो दिखा रहे हम अस्ती के छोटी गाड़ी को छोड़, ओ चुप हो जा, सवाल करना है यहां से, चल 1 2 3 1 बटा 5 हमने ऐसे लिखा, लोग 6 ऐसे लिखा ठीक है, फिर प्लस 3 बटा रूट 5 टेन इनवर्स ऐसे ही, रूट 5 किसका वैल्यू हो, किसी का भी होता है सीधा लिख दो ठीक है, फिर यहां माइनस ऐसे ही, और 1 बटा 5 अब लोग 1 का मान कितना हो भाई 0, माइनस ऐसे ही 3 बटा रूट 5 टेन इनवर्स ऐसे ही, अब मुझे बता दो बस टेन इसका मान कितना हो, टेन जीरो का जीरो ही होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बस जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो, इसका मान भी जीरो, इसका मान भी जीरो, आंसर इतना ही आना हो रहा होगा, कर लो नोट।